नमस्कार, कॉफी अप्रिसिएट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिले, क्योंकि बाजार में देखिए एक मुनाफा वसूली का थोड़ा दबाव देखने को मिला है। कई सारे स्टॉक्स हैं, खासतौर पर छोटे बड़े स्टॉक्स हैं जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 8700 के नीचे आज देखिए सुबह से ही बाजार ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था पिछले दिनों लगातार इस लेवल को ये होल्ड कर रहा था, आज होल्ड नहीं किया, सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। कई सारे सेक्टर स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। अगले आधे घंटे में किन सेक्टर्स और पे हम खासतौर पर चर्चा करेंगे, हमें जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मुनाफा वसूली में कोई ऐसे शेयर्स हैं जहां आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। पेपर शेयर में देखिए लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रबर शेयर में, खासतौर पर छोटे मझोले रबर शेयर में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती हमने देखा था। बीते कई दिनों से टायर स्टॉक्स में तेजी थी, अब रबर शेयर में खरीदारी देखने को मिली। एक ऐसा सेक्टर जिसमें लगता है कि यहां से अगले 10-15 दिनों तक तेजी लगातार जारी रहेगी, चीनी ऐसा सेक्टर होगा जिसमें लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। इस पर खासतौर पर बात करने वाला, लगातार हम इस पर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और हम देखने का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। ऑफशोर शेयरों में वापस से खरीदारी देखने को मिली है, क्रूड का ट्रिगर कहीं ना कहीं हावी है। अशोक लैंड के मैनेजमेंट से बात करेंगे किस तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिलने कंपनी की तरफ से, और आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आज बाजार देखिए थोड़ा मुनाफा वसूली गिरफ्त में है, 8700 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए वो करीब दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कमोबेश कहीं ना कहीं बड़ा में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स देखिए जहां आज के ट्रेड में मजबूती है। पेपर शेयर देखिए जोरदार रैली दिखा रहे हैं, मालू पेपर बीते कई दिनों से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, आज भी शेयर में देखिए 12-13% की मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। रुचिरा पेपर लगातार खरीदारी, रैनबो पेपर, जेके पेपर, सेसाई पेपर, जिस स्टॉक के नाम के अंत में पेपर है वहां कहीं ना कहीं खरीदारी का ट्रेंड इस हफ्ते देखने को कम से कम मिला है। आज के जानकार आनंद राठी सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस तरह से पेपर शेयर में खरीदारी देखने को मिली है, ये खरीदारी तो बीते एक हफ्ते से जारी है, खरीदारी पर भरोसा करेंगे, खरीदारी करने की सलाह देंगे? और जी हाँ, देखिए मोस्ट ऑफ द पेपर कंपनीज में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, और ये बाइंग इंटरेस्ट भी लगातार एक काफी दिनों से एक सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट या पेपर प्रोडक्ट्स की बात करें या कोई दूसरे स्टॉक्स की बात करें, लगातार मेरा मानना है कि वहाँ पे आपको होना मिल सकता है। एक TNPL है, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, मेरा हिसाब से उस काउंटर में भी एक नया मोमेंटम बना हुआ है, लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और 370 तक का लेवल ये टारगेट छू सकता है, और ट्रेडर यहाँ पे 345 के स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, TN न्यूज प्रिंट जो है पसंद है चंदन को, लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी भी शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा, अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखिए खरीदारी देखने को मिली, कल भी हमने देखा था एग्रीकल्चर स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन आज खासतौर पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाजार में गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नागार्जुना फर्टिलाइजर, GFC, चंबा फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्या रहा होगी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, आपको लगता है कि एक दो ऐसे शेयर हैं जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बेहतर मानसून का तो फायदा इन कंपनियों को? जी हाँ, जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड है GSFC, वो हमारे रेडार पे है, काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। यूजुअली स्टॉक 85-87 के आसपास जाके और अटक जाता था, बट अब की बार जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट हुआ है और पिछले चार दिनों के जो वॉल्यूम है वो भी साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे रैली बन सकती है, तो यहाँ पे 100-102 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। स्टॉक को यहाँ पे पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो सीधे तौर पे GSFC एक शेयर होगा जो पसंद है चंदन को, लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आप इसको खरीदारी करके चलिए, 100 रुपये के स्तर को भी शेयर पार करता हुआ दिख सकता है। आज एक और सेक्टर देखिए, कमोडिटी सेक्टर जुड़ी हुई कंपनी है, रबर शेयर में देखिए तेजी देखने को मिली। दो कंपनियों का नाम खासतौर पर मैं दूंगा, दोनों छोटी कंपनियाँ हैं, वॉल्यूम भी अक्सर हम देखते हैं कम देखने को मिलता है, लेकिन आज दोनों में अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। 15 दिनों के एवरेज से तुलना करेंगे तो कई गुना ज़्यादातर वॉल्यूम बढ़ा आज के ट्रेड में। इंडाक रबर देखिए एक अच्छी मजबूती, एलगी रबर देखिए यहाँ भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी, आपको लगता है इन दोनों से कोई ऐसा शेयर है जो सेकेंड हाफ में और अच्छी मजबूती दिखा सकता है? जी हाँ, देखिए इंडाक रबर में बात करें तो यहाँ पे अप मूव बना है और मेरे हिसाब से ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात देखें कि बाजार में सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी बाजार अपने आप को नीचे की तरफ संभलने में कामकाज कर रहा है, तो जो भी स्टॉक्स है जिनका एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है जहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, तो इंडाक रबर मेरा मानना है कि 3-4% की ओरली दिखा सकते हैं। तो इंडानगर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, मान के चल रहे हैं चंदन की आप खरीदारी करके चलिए, होल करके भी चल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का शेयर देखने से पहले द्वारकेश शुगर देखिए, ये शेयर जो है बीते हफ्ते बताया गया था और कहा गया था कि शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली, 270 रुपये का लक्ष्य बताया गया था, आज ये शेयर ने 285 का हाई छुआ,
इसने न केवल लक्ष्य को हासिल किया, अभी भी लक्ष्य के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और लगातार उस समय जब बताया गया था बीते हफ्ते द्वारा के शुगर, तब से कहा भी गया था कि न केवल इस पर नजर रखिए, पूरे शुगर सेक्टर पर नजर रखिए, अगले कुछ दिनों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसने न केवल टारगेट को हिट किया बल्कि पूरे शुगर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। अभी भी शुगर सेक्टर के शेयरों पर आप नजर बना के चल सकते हैं, वहां अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। त्योहारी मांग और प्राइस बढ़ने की संभावना से इस पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो बतौर जैकपॉट शेयर होगा जिसमें मजबूती देखने को मिल सकती है, बीते कुछ दिनों से देखिए लगातार वैसी कंपनियां जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई है उसमें तेजी है। आज के लिंक पेन होगा, इसमें लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कई सारे ट्रिगर्स है जिसके आधार पर इस शेयर को जो है चुना गया, जिसमें लगता है कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं पहली तिमाही के नतीजे कंपनी के बेहतर देखने को मिले हैं। मुनाफे की बात करें साल दर साल उसमें करीब 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वहां भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, करीब 24% के आसपास का वहां जंप देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी ने जो है लगातार अपने ब्याज पे जो खर्च है उसको कम कर रही है लिंक पेन, और 30% तक जो है अगर साल दर साल देखेंगे तो कंपनी के जो है ब्याज लागत में गिरावट देखने को मिली है। अब जिस तरह की कंपनी की एक टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है उसमें ये उम्मीद है कि FY18 तक जो है कंपनी का सालाना मुनाफा जो है करीब 20% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। कैश EPS अच्छा खासा है, करीब 16 रुपये का जो है कैश EPS है इस कंपनी में। इसके अलावा बड़ा ट्रिगर अब निकल के जो इस कंपनी के साथ आगे के लिए आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी के एक्सपोर्ट में एक उछाल देखने को मिले, और जिस सेगमेंट में खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर स्टेशनरी कारोबार से सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेगमेंट है देश में जिसमें एक लगातार ग्रोथ देखने को मिला और उसका फायदा लिंक पेन जैसी कंपनी को सीधे तौर पर होगा। अब इस शेयर के तकनीकी देखिए, इसमें शेयर में बीते कुछ दिनों में क्या ट्रेंड देखने को मिला है। बीते 8 दिनों में शेयर में करीब 74% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, जबकि बीते 3 दिनों में देखिए 65% तक और 5 दिनों में देखिए 72% तक डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। यानी कि कहीं ना कहीं शेयर में एक मजबूत डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, और वो इस बात का संकेत है कि इस शेयर में यहां से मजबूत अपसाइड देखने को मिल सकता है। 303 रुपया जो है शेयर का ऑल टाइम हाई है, और इस बात की गुंजाइश है कि यह शेयर इस ऑल टाइम हाई को पार कर सकता है, क्योंकि इस बाजार में उन्हीं शेयरों में ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है या बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है जो ऑल टाइम हाई पे या उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका लक्ष्य जो निकल के आता है 305 के आसपास आता है, 272 का स्टॉप लॉस होगा। अब चूंकि शेयर ऊपर आ चुका है तो अपने लिहाज से आप टारगेट स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं। चंदन क्या राय होगी? अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे, बट पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन में देखिए हर बार लोग अक्यूमुलेट हुए हैं, और इसका डिलीवरी मार्क है वो काफी पॉजिटिव है, जो साफ संकेत दे रहा है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसका 40-45% एवरेज लोग अपना अक्यूमुलेट डिलीवरी में कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न बन रहा है। मेरा मानना है कि जो इसका 12 सितंबर का लाइफ टाइम हाई है 303 वो निकाल के ये काउंटर 320 तक के तरफ जा सकते हैं। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न है, यहाँ पे रिकमेंडेशन की सलाह रहेगी। तो सीधे तौर पर मतलब चंदन को पसंद, उनको लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, करीब करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ शेयर अभी भी कारोबार कर रहा है। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती है। चीनी शेयरों की मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले द्वारकेश की, चीनी स्टॉक्स की बात करते हैं। चंदन देखिए यहाँ पे खरीदारी देखने को मिले, बलरामपुर चीनी, KCP शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, KM शुगर, राशि शुगर के जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती देखने को, सिंभावली शुगर देखिए, धामपुर शुगर, द्वारकेश शुगर जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जिस तरह से चीनी शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, क्या आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? क्योंकि हमने देखा है बहुत बड़ी रैली बीते 5-6 दिनों में, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में गिरावट, वापस से 2 दिनों से खरीदारी, आपको लगता है कि यहाँ से एक बड़ी उछाल की गुंजाइश देखने को मिल सकती है? और मैं आपसे एक नहीं 2-3 शेयर चाहूँगा जिसमें आपको लगता है कि यहां से मजबूती देखने को मिल सकती है 15-20 दिनों के लिहाज से। जी हाँ देखिए, जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन अब आगे आ रहा है, सारे चीनी शेयरों में मिठास बनी हुई है, और मेरा मानना है कि इनके प्राइस पैटर्न भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको एक्सटेंड होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे द्वारकेश शुगर की तरफ फोकस करूंगा। इस स्टॉक ने देखें 230 का मल्टीपल सपोर्ट बनाया, और लगभग 7 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में इसने हर्डल है 273 उसको पार किया है, तो यहाँ पे एक क्लासिकल प्राइस पैटर्न बनाया, एक हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न बनाया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आज हो चुका है, तो उस ब्रेकआउट के यदि टारगेट देखें तो 305 तक के लेवल यहाँ पे आते हैं, तो द्वारकेश शुगर को यहाँ पे खरीदारी की राय हो सकती है। लगभग मौजूदा स्तर से भी 7-8% की रैली बन सकती है। दूसरा काउंटर शुगर सेक्टर में रहेगा KM शुगर, एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाने के बाद 2 दिन पहले स्टॉक ने 14.5 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये काउंटर एक्सटेंड हो सकता है, ऊपर में 21 रुपए तक का टारगेट इस स्टॉक में बन रहा है।
तो केएम शुगर और द्वारकेश शुगर दोनों शेयर पसंद है। द्वारकेश में चंद्र मान के चल रहे 305 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केएम शुगर में उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है खरीदारी के चलिए आज के ट्रेड में, और अगले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली खासी रैली देखने को मिल सकती है। आज कुछ एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं चंदन, खासतौर पर मैं 5 ऐसे स्टॉक्स आपको बताऊंगा जिसमें जोरदार तेजी देखने को मिली, हालांकि इन शेयरों पर थोड़ा चर्चा कम देखने को मिलती है। मेगा सॉफ्ट देखिए, 15% की मजबूती, करीब 4 लाख से ज़्यादा शेयरों का कारोबार हो चुका है। मुक्ता आर्ट्स देखिए, यहाँ करीब 9% की मजबूती, इसमें भी करीब देखिए 9 लाख शेयरों का अब तक कारोबार हो चुका है। ओरिएंट एवियस, यहाँ देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है ओरिएंट में, यहाँ करीब 8% की मजबूती है। DCW लिमिटेड देखिए, यहाँ करीब 7.5% की मजबूती, यहाँ भी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, और एक हैवी वेट स्टॉक्स देखिए, इनफैक्ट टाइड वाटर अच्छी खासी मजबूती के साथ, करीब 6000 का शेयर है, करीब 5% की मजबूती, ठीक ठाक बॉलों में 32000 शेयरों का अभी भी कारोबार हो रहा है टाइड वाटर में। इन पांचों स्टॉक्स में से आपको लगता है कोई शेयर जिस पर भरोसा करना चाहिए, तेजी के लिए खरीदारी करनी चाहिए? सारे काउंटर्स में मोमेंटम और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। सबसे पहले मैं मेगा सॉफ्ट की बात करूं, ऐसे स्टॉक में काफी कम वॉल्यूम हुआ था, बट आज के दिन में जिस हिसाब से एक वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ है, लगभग 9.5-10 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, और इसका मल्टीपल हर्डल 17.5 को पार करके ये ऊपर क्लोज देने के लिए कामयाब हो रहा है। तो 17.5 के ऊपर आज यदि क्लोजिंग होती है तो मेरे हिसाब से ये 20-20.50 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो मेगा सॉफ्ट में यहाँ पे रेडार पे रहेगा, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं मुक्ता आर्ट्स की बात करें, इस काउंटर में भी लगातार एक हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और इनफैक्ट पिछले 3 महीने में इस काउंटर ने लगभग 3 टाइम्स तक के रिटर्न दे चुका है। 60 रुपीज से लेके 118-120 तक का लेवल इसने छुआ है, और ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। हर एक छोटे से मुनाफे के बाद में नई मोमेंट आती है, तो 2 दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ, वापस यहाँ पे रैली बन रही है, और अब एक नया हाई निकाल के ये काउंटर 132 तक जा सकता है। तो मुक्ता आर्ट्स यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसके अलावा मेगा सॉफ्ट में भी यहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। दूसरा, आपने जो टाइड वाटर की बात की, ये काउंटर देखें काफी वैल्यू वाला काउंटर है, बट टेक्निकल टर्म्स में देखें तो एक नैरो रेंज ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया है, और उस ट्राइंगल का ब्रेकआउट एक कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम के साथ दिया है, इसलिए यहाँ पे 6600 तक एक्सटेंडेड टारगेट आ रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम कम है इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम ट्रेड करें, बट एज पर द टेक्निकल 6600 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सीए तो पे अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल सकती है, टाइड वाटर पसंद है, इसके अलावा मुक्ता आर्ट्स में भी चंदन को लगता है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, और मेगा सॉफ्ट पर भी खरीदारी करने से लाद रहे। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए चंदन, जहाँ पे जोरदार तेजी है, इस पर भी चर्चे कम होते हैं। KCP लिमिटेड देखिए, यहाँ करीब 6% की मजबूती। इज्मो देखिए, यहाँ का अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, करीब 5-6% की मजबूती। लक्ष्मी एनर्जी देखिए, खरीदारी देखने को मिल रही है। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज और सुपर स्पिनिंग ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। इन पाँचों में से कोई शेयर जो आपको पसंद हो? जी, सबसे पहले यहाँ पे KCP लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे भी काफी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, और इनफैक्ट जो KCP शुगर है वहाँ पे भी पॉजिटिव प्राइस बना हुआ है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से इसने एक मल्टीपल ईयरली ब्रेकआउट फिलहाल दिया है, इस काउंटर में लगभग 10-12% का मूवमेंट आना चाहिए। 104-105 इसका एक सपोर्ट है, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 117-118 तक के लेवल इसमें बन सकते हैं। उसके अलावा पायनियर एम्ब्रॉयडरी और दूसरे जो आपने काउंटर की बात की है उनमें भी पॉजिटिव स्टेंस बना हुआ है। पायनियर एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो एक कंसोलिडेशन मूवमेंट आ रहा है, बट इंटरेस्टिंग बात है कि कंसोल्टेशन में ये 65 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। उससे पहले इसने 55 के आसपास का बॉटम बनाया, अभी 65 के लेवल को बॉटम बना रहा है। 69 निकलता है तो वापस इमीडिएट हाई 75 तक के लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा यदि आप इज्मो में भी बात करें, वहाँ पे भी पॉजिटिव स्टेंस बना हुआ है। तो इन सारे काउंटर एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ है, और देखिए बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिर भी चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर में बाइंग बन रही है, डिलीवरी वॉल्यूम भी बेहतर है, और ट्रेडर यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे इन काउंटर जैसे कि KCP लिमिटेड है, मेरा राय रहेगा कि आप वो बन सकते हैं, ट्रेडर्स इसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए 5-7 के लिए खरीद सकते हैं। तो KCP लिमिटेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं चंदन, मान के चलते 117-118 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आप लगातार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, रोज़ हम किसी न किसी बड़े ऑटो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। आसियाम के नंबर भी हैं, ऑटो नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए अशोक लैंड के ग्लोबल बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टी वेंकट रमन है। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल यही होगा कि जो ये क्वार्टर है, अब तक कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और कंपनी ने क्या इस क्वार्टर में कुछ एक बड़े ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, या कुछ कंपनी की ऑर्डर बुक स्थिति क्या है? इसमें दो अलग ढंग से इसका मैं जवाब दूंगा जी। एक तो आप जो भी बिजनेस नंबर्स आज देख रहे हैं वो हमारे पुराने जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन में होते हैं उसका एक होता है, और रूटीन प्राइवेट बिजनेस जो हम बिलिंग करते हैं उसका होता है। तो एक जस्टिफिकेशन ऑफ नंबर्स वो है। दूसरा ये है कि जो हम नए ऑर्डर्स जो सिस्टम में लाते हैं, तो वहां पे आपने मीडिया में सुना होगा कि हमारा करीब 3600 गाड़ी का SUV का ऑर्डर था, उस
उस डेट से लेकर आज तक करीब 900 और ऑर्डर आए हैं, तो फिलहाल करीब 8000 के आसपास जो टोटल ऑर्डर बने हैं उसमें से 50% से ज्यादा फिलहाल हमारे यहाँ अशोक लेलैंड के पास है। तो आगे का रास्ता यहाँ से जो हमें नजर आ रहा है ग्रोथ मीनिंगफुल बनेगा, करीब 10-12% हम ग्रो करेंगे और मार्केट का अंदाज हमें लगता है कि 6-8% का ग्रोथ होगा। सर कुछ एक ऑर्डर्स के लिए जिसके लिए आपने बोली लगाई और आपको उम्मीद हो कि हाल के दिनों में या जल्द ही मिल सकती है, दोबारा बताएंगे? कुछ एक ऐसे ऑर्डर्स के लिए क्या आपने किसी बड़े ऑर्डर्स के लिए बोली लगाई है, बिट की है क्या सर, जिसमें उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द मिलेगा? आज भी, हाँ सही है, आज भी कई जगह पे उत्तर प्रदेश UPSRTC की हो रही है, गुजरात JSRTC की हो रही है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन राजस्थान में बन रहा है, तो ये सब जो नंबर्स हैं करीब 800 900 1400 के आसपास हैं और इन टेंडरों के डिसीजन अभी होने के हैं और ये डिसीजन आपको करीब थर्ड क्वार्टर के आखिर में या अर्ली क्वार्टर फोर में पता चलेगा। सर अगला सवाल ये होगा, जिस तरह से हमने देखा है कमर्शियल बिगर सेगमेंट है जिसमें कि एक अच्छा खासा सुधार अब देखने को मिल रहा है, मौजूदा हालात क्या है और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट, किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में? हाँ, तो दो बातों का बहुत महत्व आगे के रास्ते के लिए है। एक ये अपना BS4 का लॉन्च होगा जो आपको अप्रैल 2017 से लागू होता है, तो आमतौर से देखा गया है कि जब BS4 लॉन्च होता है तो लोग BS3 का प्री बाय करते हैं और ये एस्पेक्ट नंबर्स को बूस्ट करेगा। हाउएवर अगर GST का इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल से लागू हुआ तो ये GST का जो इम्प्लीकेशन है गाड़ी का दाम कम होगा, तो लोग इस बात पे वो असेसमेंट करते रहेंगे कि भाई जो हमको BS3 का लाभ मिलेगा उसका वर्सेस GST का जो डिफरेंस इन प्राइस आएगा उस ऑफसेट को लेके मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा। तो इन दोनों बातों पे बहुत निर्भर है कि क्लोजर कैसे हो। सर ये BS4 जो नॉर्म है उसके लिए कंपनी की क्या तैयारियां चल रही हैं? BS4 आपको मालूम है पूरे भारत में ग्रेडेड बेसिस पे लॉन्च किया गया है, तो हमारा BS4 की गाड़ियां तो फिलहाल उदाहरण के लिए केरला में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो कई सदर्न स्टेट्स में जहां BS4 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी हमारी गाड़ियां करीब 400 से 600 गाड़ियां ऑलरेडी BS4 के मार्केट में उतर चुके हैं। सर जिस तरह से पिछले दोनों कंपनी ने यह लक्ष्य रखा था कि अशोक लेलैंड को जो है दुनिया की 10 सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनियों में शुमार होना है और बस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 5 बड़ी कंपनियों में शुमार होना है, कंपनी की इस जो लक्ष्य रखा है इसको पाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए कंपनी की तैयारी कैसी है? बिल्कुल बढ़िया, हम लोग जो कर रहे हैं कि हमारा ये जो एक्सपोर्ट्स जो बिजनेस हम करते हैं इस साल हमारा स्ट्रैटेजी है कि एक तिहाई बिजनेस हमारा एक्सपोर्ट चाहेगा, यानी कि हर दो गाड़ी जो हम डोमेस्टिक में बेचेंगे एक गाड़ी एक्सपोर्ट में बेचेगा। तो उसके लिए जो एक्सपोर्ट्स के मार्केट्स हैं और जहां जहां हमको लगता है कि लॉजिस्टिक्स के जरिए जो बेनिफिट्स मिलेंगे वहां पे हम नए प्लांट्स लागू कर रहे हैं और ये नए प्लांट्स सम ऑफ देम इसी साल पे एक्चुअली ऑपरेशनल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कीनिया में हमारा नया प्लांट है, बांग्लादेश में एक प्लांट बन रहा है, ये हम एक विद इन इंडिया नए प्लांट्स आंध्र प्रदेश में एक प्लांट आने को है, एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो मोटा मोटा ये है कि एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं उसके कारण बूस्ट मिलेगा और दूसरा जो हमारा STU का करंट बिजनेस ऑर्डर्स जो हाथ में है और जो मार्च 2017 के अंदर उनको खत्म करने हैं वो सब मिला के Q3 and Q4 में आपको नंबर्स मोर रोबस्ट दिखेंगे। सर ये केन्या और आपने आंध्र प्रदेश प्लांट की बात की है, क्या मौजूदा स्थिति है, कब तक यहाँ से हम ये मान के चल रहे कि कंपनी की तरफ से जो है उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा? कीनिया में फिलहाल जो जहाँ पे प्लांट बननी है जो लैंड का जो एग्रीमेंट है उसका डिस्कशन चल रहा है, हमारी प्लांट की जो जिसे कहते हैं लाइन की तैयारी है उसके लिए सामान और वो ऑलरेडी तैयार है, तो हमें लगता है कि लगभग Q4 के बीच के आसपास में ये प्लांट तैयार होगी। सर लगातार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन बेहतर देखने को मिला है, GST का ट्रिगर तो है ही लेकिन अगर तात्कालिक तौर पर मतलब अभी के ट्रिगर के तौर पर लिया तो फेस्टिव सीजन है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मॉनसून का परफॉर्मेंस कमोबेश बेहतर देखने को मिला है, किस तरह के सेल्स नंबर्स आप उम्मीद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा आपको?
तीन बातें का इसमें आप नजर रखें। पहली बात तो हम भारत के नंबर वन बस मैन्युफैक्चरर हैं, वो पोजीशन हम मेंटेन करेंगे। दुनिया में हम फोर्थ पोजीशन पे है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम थर्ड पोजीशन जाएं। हमारी और थर्ड पोजीशन में लगभग 2700 गाड़ियों का पिछले साल गैप था। मुझे लगता है कि ये गैप इतना बड़ा नहीं है जो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, उसकी तैयारी है। और तीसरा जो है इन टर्म्स ऑफ जो नए नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चाहे वो स्कूल बसेस हो, ये जो गाड़ियां इस क्वार्टर में लॉन्च होगी उसका आपका बेनिफिट इस फोर्थकमिंग क्वार्टर में दिखेगा। सर आखिरी सवाल होगा, कंपनी क्या कुछ नया प्रोडक्ट कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करने की प्लान कर रही है क्या? आपको इसी महीने में एक नया गाड़ी का लॉन्च हम अनाउंस करेंगे, वो आपको करीब इस फोर्थकमिंग वीक में मीडिया में सुनने को मिलेगा। और जो हमने सनशाइन व्हीकल पिछले महीने विजयवाड़ा में जो लॉन्च किया था उसका ऑल इंडिया लॉन्च होगा, और स्पेसिफिक टू वेरियस स्टेट। वो जब स्कूल सीजन पर अनाउंसमेंट होता है वो आमतौर से करीब दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास होता है, वो होगा। और मिडल ईस्ट मार्केट में हमने एक नया गाड़ी बनाया है जिसको हम ऑयस्टर कहते हैं, वो भी स्कूल और स्टाफ ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के लिए है, वो गाड़ियां भी दिसंबर और जनवरी में लॉन्च होगी। सर बेहद शुक्रिया आप जी बिजनेस से बात करने के। तो ये था अशोक लैंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टी वेंकटरमन बात करते हुए कि कंपनी जो है लगातार कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है, इनके जो कुछ नए प्लांट्स हैं वहाँ जल्द से जल्द कमीशन शुरू हो जाएगा, और कंपनी जो है लगातार अपने एक्सपेंशन पे जोर दे रही है। कंपनी को भरोसा है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से वो दुनिया की 10 सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी और 5 बस बनाने वाली कंपनियों में शुमार हो सकती है। तो बाजार देखिए अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुनाफा का दबाव बाजार में देखने को मिल रहा है दिन के निचले स्तर के आसपास, लेकिन ये कह सकते हैं गिरावट नहीं है, मुनाफा वसूली के बाद देखने को मिली है। लेकिन कई सारे स्टॉक से अभी भी मजबूती देखने को मिली है। राणे ग्रुप के शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, खासतौर पर राणे ब्रेक, राणे इंजन, राणे होल्डिंग, राणे मद्रास जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, और अभी 10-15 मिनट पहले इन तमाम शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और ये तमाम शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। चंदन हमने देखा था कि बीते अगर 10 दिन पहले देखिए इस पूरे ग्रुप में लगातार कई दिनों तक खरीदारी, फिर वापस से मुनाफा वसूली, वापस से खरीदारी देखने को मिली। क्या ये ट्रेंड वापस से माने कि अगले 2-3 दिनों तक खरीदारी रहेगी, या आपको लगता है कि नहीं तेजी है, अगर आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए, अगर फंसे हैं तो भी निकलिए। जी देखिए मोस्ट ऑफ द राणे कंपनीज में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में मूवमेंट हुआ है, उससे पहले एक ट्रेंड पॉजिटिव था। स्पेशली मैं राणे ब्रेक की बात करूं तो इस काउंटर ने पिछले यदि 8-9 सप्ताह देखें तो 367 से लेके 1400 तक का रैली देखा, और उसके बाद में ये 2-3 वीक तक कंसोलिडेट हुआ है, वापस अप मूव बना सकता है। तो मेरे हिसाब से वापस जब 1400 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। 1135-1140 का एक मेजर सपोर्ट काम करेगा। वहीं राणे इंजन की बात करें उस काउंटर में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, बट अब कहीं ना कहीं एक अपसाइड में एक कंसोल्टेशन फेज देखने को मिल रहा है, थोड़ी सप्लाई लोगों की आ रही है, तो यहाँ पे 750 के आसपास चल रहा है, 800 के आसपास आए तो इसी में मुनाफा वसूल करें। तो ओवरऑल मोमेंटम है बट काफी चल चुका है, इसलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट आए तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और यदि किसी को स्मॉल ट्रेडिंग करना है 3-4% मूवमेंट तो मेरे हिसाब से वो भी अभी एंट्री कर सकते हैं। तो राणे ब्रेक में थोड़ी मजबूती देखने को भी मिल सकती है, गिरावट पर खरीदारी कीजिए, 1400 रुपये तक का लक्ष्य मान के चलना है। एक और सेक्टर देखिए जल्दी से चंदन जिसमें आज मजबूती है, ऑनशोर ऑफशोर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, डॉल्फिन ऑफशोर, गोल ऑफशोर जैसे स्टॉक्स है जहाँ एक अच्छी मजबूती, डीप इंडस्ट्रीज देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें से कोई शेयर जो आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए, बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है आज का मिड डे जैक, पूरे ट्रेड्स भी देखिए सिलान एक्सप्रेशन अच्छी मजबूती देखने को मिली, सिलान में भी करीब 4% की मजबूती देखने को मिली, क्या राय होगी आपकी? जी देखें पिछले कुछ दिनों से सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पे मैं अबान की तरफ रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। अबान ऑफशोर ने एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बनाया है, लगातार 5-6 दिनों से परफॉर्मेंस हुआ है, वॉल्यूम काफ़ी बेहतर है, और इमीडिएट हर्डल 225 को पार करने को ये तैयार है, और उस कंडीशन में 240 तक का मोमेंट आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अबान एक बीटन डाउन काउंटर है, और जिस हिसाब से अब एक सपोर्ट से टर्न हो रहा है यहाँ पे बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। उसके अलावा सेलान में भी आपको आ सकता है। ये सारे कंपनीज जो ऑफशोर कंपनीज है यहाँ पे सब में मोमेंटम है, और मेरा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि अबान में खरीदारी करें, 240 तक अपसाइड का टारगेट रहेगा। शुक्रिया चंदन। तो अबान ऑफशोर एक शेयर होगा जो चंदन को पसंद है, और ऑन ऑफशोर में उनको लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।